हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमा तो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हुए इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में अब हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको ब्लूप्रिंट बता ही दिया हूँ 2024 एग्जामिनेशन के लिए। अब ब्लूप्रिंट से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और यही क्वेश्चन के बीच से ही आपका एग्जाम में पक्का 100% क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है आपका, तो देखिए सबसे पहले जैसे आपको एग्जाम में जाना है तो आपको कॉपी मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहला चैप्टर जो आपका 5 मार्क्स का रहेगा डिटरमिनेंट 2024 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, आपका डिटरमिनेंट में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, किस तरह का रहेगा, तो रहेगा आपका क्वेश्चन टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो जहां पर आपको 3 को इक्वेशन दे देगा, लीनियर इक्वेशन, 3 को लीनियर इक्वेशन देखिए, ठीक है, 3 को लीनियर इक्वेशन दे देगा और उसमें बोलेगा कि उसको सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसी तरह का ये एक क्वेश्चन है, इसी तरह का और 6 क्वेश्चन, यानी टोटल ये मिला करके हो गया 7 क्वेश्चन, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए और 6 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये क्या है मेरा लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किस फॉर्म में, तो उसको हम लिखते हैं, ये जो है ना, तो क्या लिखेंगे, दिस सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा एग्जाम में और उसका सॉल्यूशन करना है आपको। डीप टू एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, जिस फॉर्मेट से मैं लिख रहा हूँ, दिस लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किस रूप में है, ये है आपका ax बराबर b, एक यानी ax y z, x ये सर, x क्या है जो आपका वेरिएबल है, जैसे ax y z, x का वैल्यू क्या है, ax y z, a क्या है, देखिए x के साथ जो गुना है, यानी जो वेरिएबल के साथ गुना है, जैसे ax y z के साथ जो गुना है वो है a, x के साथ क्या है गुना, 5, 2, 1, y के साथ 3, 1, 2, z के साथ 1, 3, 4, ये जो है ना वेरिएबल के साथ जो गुना में वो है a का वैल्यू, और b क्या है जो यहाँ पर है 16, 19, 25, उसी को हम लोग लिखते हैं। लेकिन इसको अभी एक थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हम लोग a को उधर भेज देते हैं तो a इन्वर्स हो जाएगा, उधर भेज देते तो a b का बटा में आ जाएगा, यानी इन्वर्स हो गया, और b इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है x बराबर a इनवर्स b, यहीं पर हमको x का वैल्यू निकालना है लास्ट में। तो हियर यहाँ पर a क्या है मेरा, a मेरा, और इसको हमेशा मैट्रिक्स में लिखा जाता है, मैट्रिक्स में 5, 3, x, z के साथ कुछ नहीं गुना है, मतलब 1, 5, 3, 1, फिर 2, y के साथ कुछ नहीं गुना है, मतलब 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, x के साथ कुछ नहीं गुना है, मतलब 1, 1, 2, 4 ठीक है, इतना हो गया, a का वैल्यू निकल गया। आप उसी तरह से b का वैल्यू लिख देते हैं, b का, और सभी चीज आपको मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिक्स में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये b का वैल्यू क्या है, 16, 19, 25 एंड x क्या है मेरा, कैपिटल x, x है मेरा x y z, ठीक है, x y z वो है x, और इसी x y z का वैल्यू हमको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा, निकाल के आंसर हो गया हम लोग का। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो a b c का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, हमको a का डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, a का डिटरमिनेंट, इसलिए a का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है, इस तरह से लकीर खींच के छोड़ दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल रहे, तो ये हो गया आपका, इस तरह से लकीर दे दिए दोनों तरफ, और जो a का वैल्यू है ना उसी को देखकर छाप दीजिए, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किस किया जाता है, अब ये इसी वीडियो में मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कोई भी डिटरमिनेंट आपको एग्जाम, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि ये दे देगा ये वाला और बोलेगा कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, यही रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो
इसी में आपका इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव भी एक हो जाएगा। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिए प्लस माइनस प्लस, कोई भी क्वेश्चन हो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहला को लिखना है पाँच और ब्रैकेट दे दीजिए, अब फिर क्या है माइनस माइनस दे दिए, फिर दूसरा को लिखना है तीन, फिर ब्रैकेट दे दिए और फिर प्लस दे दिए, और फिर तीसरा को लिखना है वन और फिर ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे, अब पाँच किस लाइन में है, देखिए फर्स्ट लाइन में, तो जिस लाइन में पाँच आ रहा है जिस लाइन में उसको ढक दीजिए, ढक दिए, और इस लाइन में भी तो पाँच आ रहा है तो इसमें भी इसको भी इस तरह से ढक दीजिए, ढक दिए। अब बच कौन कौन रहा है, एक तीन दो चार, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चार को एक से गुणा कीजिए, दो को तीन से गुणा कीजिए, तो चार कम चार माइनस, और बीच में हमेशा माइनस देना चाहिए, ठीक है। चार कम चार माइनस तीन दूनी छः, माइनस तीन दूनी छः। फिर अब तीन किस लाइन में आ रहा है, जिस लाइन में आ रहा है उसको ढक दीजिए, तीन आ रहा है इसमें ढक दीजिए, ठीक है। अब फिर तीन वो वाला इसमें भी तो आ रहा है, अब ये वाला तीन को नहीं देखना है, खाली यही वाला जिसको आप यहाँ पर लिए ढक दिए। अब क्या क्या हमको दिख रहा है, चार दो एक तीन दिख रहा है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चार को दो से, चार दूनी आठ, और बीच में फिर माइनस, और फिर तीन एकम तीन यानी आठ माइनस तीन, आठ माइनस तीन, ठीक है। चलिए अब फिर एक किस लाइन में आपको दिख रहा है, इस लाइन में, अब ये एक को नहीं देखना है, जिसको लिए उसी को, इसमें दिख रहा है तो उसको ढक दीजिए, फिर इसमें भी तो दिख रहा है उसको भी ढक दीजिए, ठीक है। अब बच कौन कौन रहा है, दो एक एक दो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दो दूनी चार, बीच में माइनस, एक एकम एक, तो चार माइनस एक, ठीक है। इस तरह जल्दी आप लोग करिएगा तो एग्जाम में आपका जरा सा भी गलती नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा, बस ये हो गया। आप इसको सिंपल से सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा चार में दो छः जाएगा तो माइनस का दो, माइनस तीन, ये आठ में तीन जाएगा तो पाँच, प्लस एक, चार में एक जाएगा तो तीन, तो इस तरह से ये हो गया आपका माइनस पाँच दूनी दस, माइनस पाँच तीन पंद्रह, प्लस तीन एकम तीन, तो ये हो जाएगा आपका जो प्लस जो एक जाति का है माइनस माइनस उसको एक साथ जोड़ दीजिए, तो माइनस पंद्रह और दस पच्चीस, प्लस तीन, अब इसको माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा माइनस बाईस, ठीक है। चलिए अब ये जो है ना ये आपका जो है ना नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो आप डिटर्मिनेंट निकाले ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस बाईस क्या जीरो है, नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बगल में कंसिस्टेंट, कि इसका जो इन्वर्स आप लोग निकालेंगे यहाँ पर, देखिए हमको इन्वर्स की जरूरत होगा तब ना एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो इन्वर्स इसका एडजस्ट होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब माइनस बाईस आराम से जीरो तो नहीं है, तो इसका आप इन्वर्स निकाल सकते। अगर यहीं पर इसको सॉल्व करने पर यदि जीरो आ जाता तो इसको हम कभी एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते, कभी नहीं, वहां पर हम लोग ए इन्वर्स ही नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू कहां से निकलेगा, तब फिर उस समय क्या करेंगे, खाली कम से इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ देंगे, इनकंसिस्टेंट जब जीरो आ जाएगा तब इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा एक्स वाई जेड का, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। अब इसका हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं, और ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, किसका, ए का ही इन्वर्स, किसका निकालते हैं ए का, तो कोफैक्टर भी ए का ही निकालना पड़ता है। तो चलिए आप हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं ए का, तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो चलिए आप हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं ए का। अच्छा आप लोग एक चीज याद करके रखिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए थे ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला था माइनस बाईस, उसको याद रखिएगा उसका जरूरत होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल देना, अब इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, मैं फिर भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि नाव लिखना है फिर लिखना है कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, जिसका भी यहाँ पर आपको इन्वर्स निकालना है वही वाला लिखना है, यदि पी का इन्वर्स निकाल रहे तो पी लिखना है, एक्स का निकाल एक्स नहीं, यदि क्यू का निकाल रहे तो यहाँ पर क्यू लिखना है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में ए बी एक्स ही लेना है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एक्स ए, तो ये हो जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, सोचिए नहीं कि कैसे लिख रहे, खाली ये देखिए कि कैसे कहाँ क्या लिख रहे बस, फिर इधर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर इधर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, चलिए ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब अच्छा आप लोग सोच रहे कि ए थ्री थ्री यानी एक से लेकर तीन तक हम लोग का है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना ये आपको थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है, देखिए कई गो रो है,
जो इधर इस तरह का लाइन होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको रो बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी तीन को रो। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तीन को वर्टिकल लाइन, तीन को कॉलम है, यानी इसको लिखते हैं 3×3, लेकिन पढ़ते हैं 3×3। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये 3×3 ऑर्डर का है, ठीक है, तीन को रो तीन को कॉलम वाला मैट्रिक्स है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो कोफैक्टर में एस का जो वैल्यू लेंगे वो 1 से लेकर 3 तक लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर ये दो ऑर्डर का रहता है, यदि इस तरह से रहता 1, 5, 2, 3 रहता, इस तरह ऑर्डर का रहता, तो ये है 2×2 का है, दो को रो दो को कॉलम। तो उस समय आपको मात्र 1×1 लिखते, 1×2 लिखते, 1×2 लिखते, 2×2 लिखते, बस ये 3×3 ऑर्डर का, इसलिए हम लोग इतना लिए। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको एकदम ये क्वेश्चन को एकदम मतलब हवा नहीं लगता। ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको हर चीज को समझना है। ये हो गया, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है। तो आप देखिए आपको करना क्या, अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना, अगर ये वाला स्टेप तो भूल गए, ये वाला स्टेप तो अगर भूल गए जो अभी बताने वाला हूँ, तो फिर आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। देखिए क्या करना क्या, ये 1 और 1 जुड़िए, कितना हो 2, दो सम है ना विषम है, ऑड है ना इवन है, सम है यानी इवन है, तो सम है तो प्लस होगा, प्लस, ठीक है। 1 और 2 जुड़िए, कितना होगा 3, 3 सम है ना विषम है, विषम है, जब विषम आएगा तो माइनस देना है। 1 और 3 सम है ना विषम है, जुड़िए 4 सम है तो प्लस होगा। 2 और 3 2 और 1 3, 3 सम है ना विषम है, विषम है तो माइनस दीजिए। फिर 2, 2, 4 सम है तो प्लस दीजिए। 2, 3, 5 विषम है तो माइनस दीजिए। 3 और 1, 4 सम है तो प्लस दीजिए। 3 और 2, 5 विषम है तो माइनस दीजिए। 3 और 3, 6 सम है तो प्लस दीजिए। ये वाला स्टेप तो एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो जो माइनस, ये जो जो प्लस में दिख रहा है आपको, जो जो प्लस साइन दिख रहा है उसको मिटा दीजिए, क्योंकि प्लस नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा। जो जो प्लस दिख रहा है उसको मिटा दीजिए, क्योंकि प्लस नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ब्रैकेट देना है। अगर ब्रैकेट नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा, नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना समय आपके पास रहेगा नहीं कि आप आराम से सजा करके लिखने सकेंगे। देखिए ये हो गया, अब आपको करना क्या, देखिए A11 निकालना है। A11 का वैल्यू क्या होगा, यानी कोफैक्टर ऑफ पहला रो पहला कॉलम, यानी जिस तरह से अभी किए थे कि A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो ये वाला हुआ और पहला कॉलम ये वाला हुआ, इसको ढक दीजिए। दिख क्या क्या रहा, 1, 3, 2, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4×4 -3×6, अब बीच में माइनस ही होगा, ठीक है, 4×4 -3×6, तो 4×4 -3×6। अब यहाँ पर उस तरह लिखने का जरूरत नहीं है कि पहले 5 को लिख दिए, फिर 3 को लिख दिए, फिर 1 को लिख दीजिए, अब ऐसा नहीं, अब डायरेक्ट खाली ढकिए और जो माइनस करने पर आ रहा है उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया, तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लीजिए, 4 में 6 जाएगा तो -2, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मिटा के -2 लिख देते हैं। आपको करना क्या है, वैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, या फिर अभी ये सब छोड़ दीजिए, पहला रो का ही काम खत्म करते, ठीक है, पहला रो का ही काम तमाम करते। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो को ढके और दूसरा कॉलम को ढके, ढक दिए, 4×8 बीच में माइनस, 3×3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, 4×8 -3×3, 4×8 -3×3, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8×3 = 5 और पहले से माइनस है यानी -5। मैं आपको खाली तरीका दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है आप, बाकी आप जितना शॉर्टकट करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट में आप जिसको ही गायब कर देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोफैक्टर का वैल्यू लिख दिए बिना दिखाए कि कैसे आया, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। बहुत तेज तेज भी बच्चे हैं जो बहुत दिमागी में कर लेंगे ऐसा कैलकुलेशन और डायरेक्ट लिख लेंगे, तो फिर वैसा में अब टीचर का मन तो जो चेक करेंगे वो बोलेंगे नहीं ये बहुत शॉर्टकट लिखा है नंबर काट लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो दिख क्या कह रहा है, 2, 1, 1, 2, तो 2×4 -1×1, 2×4 -1×1, तो 4 में 1 जाएगा तो 3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3। चलिए ये पहला रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरा रो में चलते, पहला रो का काम खत्म अब दूसरा रो में चलते, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 4×12 बीच में माइनस, 2×1 12 -2 12 -2, अब 12 में 2 जाएगा तो 10 और पहले से माइनस है यानी माइनस का 10,
ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, चार पाछा बीस, बीच में माइनस, एक एकम एक, बीस माइनस एक, तो बीस में एक जाएगा तो उन्नीस, इसको लिख दिया सिंपल सा उन्नीस। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, पांच दूनी दस माइनस तीन एकम तीन, तो दस में जाएगा तो तीन, कितना बचेगा सात, तो माइनस है, माइनस का सात। देखिए गलत किसका होता है, जो ये सब छोड़ देता है, वो देखना भूल जाता है कि माइनस है, वो जो ये सब भूल जाता है, यानी जो इसको इग्नोर करता है, जिसका ध्यान ये सब में नहीं रहता, उसी का आंसर गलत आता है। ठीक है, आंसर भी इसमें गलत आता है जब वो इस तरह से मिस्टेक करता है तब, नहीं तो इस क्वेश्चन में गलती होने का कहीं गुंजाइश ही नहीं है, आंसर गलत हो भी नहीं करेगा, एकदम सही आएगा, खाली आप लोग कैलकुलेशन बढ़िया सीख लीजिएगा बस। ये इसका काम खत्म, तीसरा रो में चलते, तो पहला रो काम खत्म, दूसरा रो काम खत्म, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीन तीन नौ माइनस एक एकम एक, नौ माइनस एक, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आठ, आठ। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, पांच तीन पंद्रह माइनस दो एकम दो, पांच तीन पंद्रह माइनस दो एकम दो, ठीक है, पांच तीन पंद्रह माइनस दो, ठीक है, चलिए तो पंद्रह में दो जगह तो तेरह, तो माइनस का हो जाएगा तेरह। चलिए अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, पांच एकम पांच माइनस तीन दुनी छः, पांच एकम पांच माइनस तीन दुनी छः, तो पांच में छः जाएगा तो माइनस का एक, माइनस का एक। चलिए अब ये हो गया, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इसका बी का जरूरत है मेरे पास, बी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो अब हमको करना क्या, देखिए अब हमको सीधे इन्वर्स निकाल लेना, सीधे डायरेक्ट अब हमको इन्वर्स निकाल लेना, हम लोग थोड़ा सा इधर बना लेते, ठीक है, इधर बना देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, क्योंकि ये जितना चीज है इसको हम किसी को मिटा नहीं सकते, सबका जरूरत पड़ेगा, खाली एक का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, देखिए किसका एक का भी जरूरत पड़ेगा, पहले इसको हम लोग एक साइड लिख देते, माइनस दस उन्नीस माइनस सात, 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 किसका वैल्यू है, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और फिर ये आठ माइनस तेरह माइनस एक, आठ माइनस तेरह माइनस एक, आठ माइनस तेरह माइनस एक, किसका वैल्यू था, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं इनवर्स, इनवर्स तो लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वन बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कहीं कहीं आपको ये जो ए है वो आपको इस तरह से भी देखने को मिलता है, एंड आप लोग यदि इस तरह नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, सीधे लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे वन बटे, और मैं आपको यहाँ पर आंसर निकाल के दिखाया था, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया था, माइनस बाईस, माइनस बाईस। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या होगा, जो आपको कोफैक्टर निकाले ना उसी को डिट्टो ला करके यहाँ पर छापना है, डिट्टो यहाँ पर ला कर छापना है, माइनस दो माइनस दस आठ, माइनस दो माइनस दस आठ, ठीक है, माइनस पांच उन्नीस माइनस तेरह, माइनस पांच उन्नीस माइनस तेरह, तीन माइनस सात माइनस एक, तीन माइनस सात माइनस एक, ठीक है, तीन माइनस सात माइनस एक, इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अंदर में एंट्री नहीं कराना, ठीक है, अभी नहीं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, इक्वेशन वन को अब यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन इम्प्लाइज से, इस तरह से आपको एग्जाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये था मेरा इक्वेशन वन। चलिए ए, ए इनवर्स का वैल्यू ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, अब माइनस को ऊपर में देते हैं क्योंकि माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे नहीं रहता है, वन बटा बाईस, माइनस दो माइनस दस आठ, माइनस पांच उन्नीस माइनस तेरह, तीन माइनस सात माइनस एक,
बी का वैल्यू ला करके यहाँ पर गुना में लिख दीजिए। बी का वैल्यू क्या है? 16, 19, 25 इतना ठीक है। आप सिंपल सा पहले इसको और इसको गुना करते हैं, फिर इसको ला करके एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो अब हमको यह सब किसी का जरूरत नहीं, खाली एक्स का वैल्यू आप लोग को पता है कि एक्स का एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर करते हैं, इसका सॉल्यूशन इधर कर दे। तो देखिए आपको करना क्या है, डायरेक्ट इधर हम लोग उसका रिजल्ट लिखेंगे, गुना करिए। देखिए ध्यान से, यहीं पर गलत होता है, ये जो पहला रो दिख रहा है, ये जो पहला आपको रो दिख रहा है, इसको इसके साथ गुना करना है। ये जो पहला रो दिख रहा है इसको इसके साथ गुना करना, और प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट से माइनस दो को केवल 16 से गुना करना, माइनस 10 को केवल 19 से गुना करना, 8 को 25 से गुना करना, ठीक है। यानी पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट के साथ जाएगा और गुना में जाएगा। तो 16 × 32 लेकिन हो जाएगा माइनस का 32, माइनस का 32, ठीक है। और क्या करना है, अब जो जैसे गुना कर रहे तो जोड़ते चलिए, ठीक है, जोड़ते चलिए। तो यहाँ पर बीच में लेंगे प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पर जैसे 10 को 19 से गुना करेंगे तो माइनस का 190 आएगा, और माइनस का 190 और प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 190। फिर 8 को 25 से गुना करेंगे और बीच में देंगे क्या, प्लस का साइन, का है क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25 8 कितना हो जाता है, 8 25 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है। फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ गुना करना है, माइनस 5 को 16 से, तो 16 25 80 लेकिन माइनस का 80, ठीक है। फिर 19 को 19 से गुना करेंगे और बीच में देंगे प्लस का साइन, तो ये 361 होता है। देख लीजिए 19 का स्क्वायर, 9 में 81 का एक हाथ में 8, 9 8 17, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 1 9 7 16 का 14 में 1, 2 और 1 3, ठीक है, 9 से 361, ठीक है, 361। फिर यहाँ से 19 माइनस 13 को 25 से गुना करना है, तो बीच में हो गया माइनस, कैसे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 13 को 25 से गुना करना है, 25 या 75 का 5 हाथ में 7, 25 और 7 हो जाएगा कितना, 7 × 12 = 32, 325। फिर तीसरा रो को इस कॉलम से गुना करना है, तो 3 को 16 से, 16 × 48। फिर माइनस 7 को 19 से गुना करना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 9 × 7 = 63 का 3 हाथ में 6, 7 × 6 = 13, 133, ठीक है। फिर माइनस 25, माइनस 25। चलिए अब इसको करना है क्या है, सिंपल सा अंदर वाला को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, जो एक जाति का है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जैसे माइनस और माइनस एक जाति का उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो ये 190 और 32 कितना हो जाएगा, 2, 9 × 3 = 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, और बीच में हो जाएगा माइनस का साइन, का है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, है ना, ऐसे जोड़ रहे लेकिन साइन तो माइनस का है ना, इसीलिए गलत बोल, ये हो जाएगा 80 और 325 को एक साथ जोड़ेंगे, का है तो दोनों माइनस में एक जाति का है, उससे पहले 301 के घर लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस तो साइन दे देते हैं क्योंकि माइनस का काम कर रहे लेकिन जोड़ रहे प्लस, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 8 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 405 हो जाएगा, फिर से जोड़ के देख लीजिए, 5 8 × 2 = 10 के जीवन में 1 3 × 1 = 4, ठीक है। अब फिर 48 को लिख लेते हैं, माइनस दे देते हैं, 5 × 3 = 8, 3 × 2 = 5, 1, एकदम आसानी से जोड़ना है, मतलब एकदम आराम से जोड़ना है, एकदम हड़बड़ी नहीं करना, हड़बड़ी करेंगे और आंसर गलत आएगा, 5 × 3 = 8, 3 × 2 = 5, 1, ठीक है। चलिए अब इसको एक और बार जोड़ लेते हैं, माइनस का 222 और प्लस का 200, तो माइनस का साइन तो बड़ा है इसीलिए यहाँ पर माइनस का काम करेंगे, माइनस 22, ठीक है, क्योंकि 222 में 200 घटेगा तो 22 होगा, माइनस 222 का साइन बड़ा है माइनस, इसलिए माइनस दे दिए, 405 में 361 माइनस होगा इसलिए पहले ही माइनस दे देते हैं, तो 5 में 1 जाएगा तो 4, फिर 10 में 6 जाएगा तो 4 और 3 में 3 0, और यहां से फिर 48 में माइनस 158, तो ये हो जाएगा 8 में 8 0, 5 में 4 1 और पहले से 1 और बीच में हो जाएगा माइनस। चलिए इधर अब इसको एंट्री करा दीजिए, तो जैसे माइनस और माइनस टकराएगा तो हो जाएगा प्लस, और 22 को 22 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1, फिर माइनस और माइनस टकराएगा जाके तो हो जाएगा प्लस, और 22 × 44, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा टकरा के प्लस, 22 × 5 = 110। और ये हम लोग निकाल क्या रहे, x का वैल्यू, तो आप लोग हर जगह x लिख सकते हैं, ठीक है, और जैसे x लिखेंगे तो इम्प्लाइज का साइन देना है, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा।
अब जैसे x, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या था आपको याद है, x y z, तो ये हो जाएगा x y z। तो x के सीधा में x का वैल्यू लिख देना है, तो क्या लिखना है 10, इस प्रकार x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 2 और z का वैल्यू क्या है एंड z का वैल्यू 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्पीड बढ़ेगा, हाथ का स्पीड बढ़ेगा, दिमाग का कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसके लिए और 6 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, ओटीपी की तरह मोबाइल में भेज देना है लिंक को, वीडियो का लिंक को। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो एग्जाम से पहले होगा आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।